जैसे जैसे घोड़ा गाड़ी काली घाटी की ओर बढ़ रही थी, ठिठुरन भी बढ़ती जा रही थी। ठंड के अलावा रात को भेड़िए बन जाने वाले प्रेतों का डर सबकी हड्डियां तक जमाए दे रहा था। ये आवाज कैसी है? शायद उधर पहाड़ियों के पार तूफान आया है, जल्दी इधर भी आएगा। हाँ, अरे जल्दी चलो। जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ रही थी, तांगे वाला और बेरहम होता जा रहा था। तभी पहली बार दूर से आती भेड़ियों की आवाज सुनाई थी, और साथ ही तांगे वाला पहली बार बोला, एक घंटा पहले पहुंच गए। आगे ही खड़े घटी और क्या, भेड़ियों की आवाज सुनी कोनी, इसके आगे से उन्हीं का राज शुरू हो गए। पर थमे लेने वाला तो आया कोनी अभी तलक है। बोलो क्या करें? मैं उतर जाता हूँ। माथा फिर गया है थारो, जान कोनी प्यारी, यहाँ 10 मिनट भी खड़े रह गए तो भेड़िया फाड़ खावेंगे, थमे हड्डी तक चबा जावेंगे। तो फिर क्या करूं? इंतजार ही करना पड़ेगा। और चारा कोनी? अरे तुम्हारे घोड़े को क्या हुआ? ये शाही बग्गी आ गई, उतरो से, यहां से आगे वो ही ले जावेंगे तुम्हें। वो सचमुच शाही बग्घी थी, रंगीन कांच की खिड़कियां सुंदर पर्दों से ढकी हुई थी। उसके सामने एक ऊंची सी सीट पर बग्घी वाला सवार था, और उसके सामने 4 शानदार 8 फीट ऊंचे चमकते काले घोड़े। एक ही पल में रणविजय का डर भाप बनकर उड़ गया। बग्घी देखकर ही लग रहा था कि उसका क्लाइंट उसकी अच्छी खातिर करने वाला था। जैसे ही बग्घी पास पहुंची, बग्घी वाला बोला, क्यों भाई, आज तो कुछ जल्दी आ गए तुम। क्या करते, घनी जल्दी थी थारे मेहमानों को। मैंने कब कहा इससे कि मुझे जल्दी पहुंचाना है, कुछ भी पके जा रहा है। बग्घी वाला आगे बढ़ा और बड़े अदब से रणविजय के सामने झुक गया। हमारे साथ चलो। हाँ चलो। जरा रुको से। ये मंत्र सारी रक्षा करेगा, अपना ख्याल रखना से। और हाँ, कुछ भी हो जावे, इस ताबीज को खुद से अलग को नहीं करना। हाँ, कुछ भी हो जाए इससे क्या मतलब है इसका? दिमाग चकरा देने वाले सवालों में उलझा रणविजय उस शानदार बग्घी की ओर बढ़ा ही था, बग्घी वाले ने उसका हाथ पकड़कर उसे चढ़ने के लिए सहारा दिया। बड़े बड़े पंजों वाली उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि रणविजय की आह निकलने को हुई। अजीब सा था वो, कंधों पर काला सा चोगा डाले, काली पगड़ी, और उसके नीचे से झांकती उसकी लाल लाल आंखें। जब वो बोलने के लिए मुंह खोलता था तो उसके नुकीले दांत चांदनी में भी चमक उठते थे। भाई टांगे वाले, साहब का सामान देना। बग्घी वाले ने रणविजय का बैग लिया और अंदर उसके पैरों के पास डाल दिया। बग्घी अंदर से शानदार थी, नरम गद्दीदार सीट्स और मखमली पर्दों के अलावा पैरों के नीचे बिछी मोटी कालीन। मालिक तरह ख्याल रखने को बोले, बोले आप खास मेहमान उनके, सर्दी बहुत है, जरोखे के नीचे बिलायती दारू है, 2 घूंट लगा लो ठंडी भाग जाएगी। रणविजय ने खुद को सीट पर जमा कर कंबल लपेटा ही था कि तभी चाबुक की आवाज सुनाई दी और बग्घी हवा से बातें करने लगी। घोड़ों की रफ्तार से लग रहा था जैसे वो और भी जल्दी में थे। पहाड़ी रास्ते के दोनों ओर पेड़ों ने रास्ते के ऊपर छत सी बना ली थी, इसलिए रास्ते पर अंधेरा सा ही था। इसलिए बग्घी को बस उसके आगे दोनों ओर लगी पीतल की लालटेनों की रोशनी का ही सहारा था। क्या कहते हो, कब तक पहुंच जाएंगे रत्नागढ़?
हेलो। हाँ भाई, कुछ पूछा मैंने, कोई जवाब नहीं। ये जगह ही अजीब नहीं है, यहाँ के लोग तो उससे भी अजीब है। उस ठिठुरन और डर के बाद भी जाने कैसे रणविजय को नींद आ गई, या शायद बेहोशी। उसे लगा जैसे कोई पंजे उसकी गर्दन की ओर बढ़ रहे हैं। अपनी पूरी कोशिश के बाद भी वो उन्हें अपनी गर्दन की ओर बढ़ने से नहीं रोक पा रहा था। ऐसा लगा जैसे छोटा सा बकरी का बच्चा बाघ को रोकने की कोशिश कर रहा है। अगले ही पल वो पंजे उसकी गर्दन पर थे। जैसे जैसे पंजों की पकड़ मजबूत होती जा रही थी, उसका दम घटता जा रहा था। सांस रुकने से उसकी आंखें बाहर निकल आने को थी। तभी उसे बग्घी की खिड़कियों से छन कर आती चांदनी में बग्घी वाले का लंबा सूखा और पथरीला सा चेहरा दिखा, और गड्ढे में से झांकती उसकी एक जोड़ी लाल आंखें। तो जोर से चीख पड़ा, क्या हो गया सा? कोई अंदर आ गया क्या? नहीं, कोई सपना था शायद। सपना था शायद। तब चिंता कौन है, ठाट से बैठो, अब तो रास्ता भी अच्छा है। क्या कहा तुमने, कोई अंदर आ गया क्या? क्या मतलब, कौन आ सकता था अंदर? जान दो सा, वो सब ना जानो तब भी अच्छा। क्या बक रहा है ये, कोई क्या ना जानो, कौन आ सकता है गाड़ी के अंदर, कहीं वो। रणविजय बग्घी के अंदर किसी के घुस आने के ख्याल से ही इतना डर गया था कि वो उसे ढूंढने लगा। सीट के नीचे, पर्दे के पीछे, जहां भी ढूंढ सकता था ढूंढने लगा। कहां है, कहां या कहां गया, कहां है वो? अंधेरे में कुछ दिख भी तो नहीं रहा, शायद आया ही ना वो अंदर। हाँ, शायद कोई नहीं आया अंदर। बग्घी इतनी तेज रफ्तार से चली जा रही थी कि अगर पहिए के नीचे कोई पत्थर आ जाता तो वो घोड़ों समेत सैकड़ों फीट नीचे खाई में गिरते और भेड़ियों का शिकार बन जाते। ये हो क्या रहा है, बग्घी बार बार उसी रास्ते से क्यों गुजर रही है? क्या ये उसी रास्ते पर चक्कर काट रहा है? हाँ, सड़क के बाईं ओर वो टेढ़ा सा पेड़ चौथी बार दिखा है अभी, पर क्यों कर रही है ऐसा? क्या मैं जिंदगी भर इन्हीं पहाड़ी में भटकता रहूंगा? पूछूं उसे। सुनो, नहीं, क्या फायदा, ये जवाब तो देने से रहा। कुछ देर बाद उसे वक्त का ध्यान आया और उसने अपनी पॉकेट से निकालकर माचिस जलाई। समय क्या हुआ है, 12:30। हे भगवान, उस सवारी ने कहा तो था कि काली घाटी में आधी रात के बाद भेड़िए बन जाने वाले प्रेतों का राज होता है, तो क्या ये जानबूझकर रास्ते में आधी रात कर देना चाहता था? अरे क्या हुआ भाया, ये तो इनका रोज का है, ये तमे खावे कोनी। चलो बच्चों, चलो चलो चलो। बग्घी इतनी तेज भागी जा रही थी कि रणविजय को उसकी सीट के आसपास जो कुछ मिला उसने उसे कस कर जकड़ लिया। अरे क्या हुआ इन घोड़ों को? रोको इन्हें,
भगवान के लिए इन्हें रोकते क्यों नहीं? तुम्हें धीमे नहीं चला सकते बग्घी, जान निकाल दी थी मेरी। जान का क्या है सा, अभी है अभी कोनी। क्या जान कभी भी जा सकती है? पर मैं इन भेड़ियों का खाना नहीं बनना चाहता, समझे तुम? जाने बग्घी वाले पर रणविजय की बातों का असर हुआ या नहीं, पर वो घोड़ों के पास जाकर उन्हें पुचकारने लगा। मेरे बच्चों, कुछ ना हो गए तुम्हें, कुछ ना, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं हूं ना। आराम से चलो। उसके पुचकारने का जादू सा असर हुआ और वो आराम से चलने लगे। तभी एक अजीब सी खड़खड़ाने की सी आवाज सुनाई दी और रणविजय ने देखा कि बग्घी वाला बार बार अपने दाएं बाएं देख रहा है। कहां देख रहा है ये नीली सी रोशनी कैसी चमक रही है यहां? ये अजीब सी खड़बड़ाहट भी उन्हीं से आ रही है, शायद इन्हीं को ढूंढ रहा था ये बग्घी वाला। अरे अरे भाई, कहां जा रहे हो? कि पागल हो गया क्या? ये भगवान, ये कहां चला गया मुझे छोड़ के? फिर ये पास आते जा रहे हैं। हटो, भागो, भागो यहां से, जाओ भागो, भागो यहां से। भगवान, ये तो पास आते ही जा रहे हैं। बग्घी वाले कहां मर गए? भगवान, मुझे इन भेड़ियों के सामने छोड़कर कहां मर गया एक कमीना? पर तभी वो जैसे गया था वैसे ही अचानक वापस प्रकट भी हो गया और चुपचाप कोच पर सवार हुआ और घोड़े चल पड़े जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कहां गए थे? मैंने पूछा, इन भेड़ियों की दया पर छोड़कर कहां चले गए थे तुम? तुमसे कुछ पूछा है मैंने, जवाब क्यों नहीं देते? डैमन रणविजय बग्घी वाले के सामने बिल्कुल बेबस था। वो कुछ भी कर सकता था रणविजय के एक भी सवाल का जवाब दिए बिना। उसके बाद वो नीली सी रोशनी कई बार दिखाई दी। और हर बार बग्घी वाला उन रोशनियों के पास जाता और उनके चारों ओर कुछ पत्थर के टुकड़े रखकर एक घेरा सा बनाता और वापस लौट आता। पर एक बार तो जो हुआ उसने रणविजय को चक्कर में डाल दिया। एक नीली सी रोशनी पास में दिखी, बहुत पास। और जब बग्घी वाला उसके पास गया तो रणविजय ने साफ साफ देखा वो रोशनी बग्घी वाले के आर पार चमक रही थी, जैसे बग्घी वाला वहां था ही नहीं। ये चक्कर क्या है? ये किस जगह फंस गया हूं मैं? अच्छा, एक भी बात समझ नहीं आती। अरे भाई, ये तो बता दो कि हम रत्नागढ़ कब तक पहुंचेंगे?
या कभी पहुंचेंगी भी, मेरी सारी जिंदगी इस भूतिया घाटी में गुजरने वाली है। हालांकि भेड़ियों की आवाजें बीच बीच में अभी भी सुनाई दे रही थी, पर कुछ देर तक सफर शांति से चलता रहा। फिर कुछ देर बाद बादलों के बीच से अचानक चांद निकल आया अपने पूरे आकार में। पर तभी जाने कहां से अचानक भेड़ियों की कुर्राहटें सुनाई देने लगी। बग्घी अचानक थम गई। घोड़े दहशत में हिनहिनाते हुए अपने पिछले पैरों पर खड़े हो गए। रणविजय ने माजरा जानने के लिए सामने झांका तो वो कांप गया। सैकड़ों भेड़िए बग्घी को चारों ओर से घेरे खड़े थे। उनके मुंह चांद की ओर थे और सबके सब अजीब आवाज में हुंकार रहे थे। उनकी इस हुंकार से पूरी घाटी कांप गई थी। रणविजय के कानों के पास से पसीने की धार बह रही थी। लगा जैसे वो भेड़िए बग्घी पर टूट पड़ेंगे और सब कुछ खत्म। पर बग्घी वाले को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो आराम से बग्घी से नीचे उतरा और भेड़ियों के बीच जाकर बड़बड़ाता हुआ ऐसे इशारे करने लगा जैसे वो सर्कस का रिंग मास्टर हो, या जैसे वो रास्ते से प्रेतात्माओं को हटा रहा हो। बस कुछ ही पल और भेड़िए जैसे अचानक आए थे वैसे ही लौट फेंक गए। घोड़े फिर से शांत हो गए और बग्घी चल पड़ी। हे ईश्वर, अगर मौत भी देना तो ऐसी मौत मत देना। आगे का रास्ता चढ़ाई वाला था, इसलिए घोड़े आराम से चल रहे थे। ऐसी भयानक यात्रा के बाद जब कुछ पल शांति के मिले तो रणविजय की आंख लग गई। फिर जब उसकी आंखें खुली तो बग्घी एक पुराने से महल के सामने खड़ी थी और बग्घी वाला घोड़ों को बांध रहा था। महल की खिड़कियों से रोशनी की कोई झलक नहीं आ रही थी। रणविजय ने महल की उजड़ी सी बाउंड्री वॉल पर एक नजर डाली। हाय, हे भगवान, आखिर मंजिल आ ही गई। काफी बड़ा महल है। महल के सामने गोल चक्कर से निकलते हुए कई रास्ते। आओ सा, आ गया रत्नागढ़ महल। जब बग्घी वाले ने रणविजय की बांह पकड़कर उसे बग्घी से उतरने में मदद की तो एक बार फिर से उसे बग्घी वाले के पंजों की ताकत का एहसास हुआ। लगभग पूरी रात का सफर था। ओह, ये सर्दी है, ऐसे में अगर गर्म चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। कोई दिख भी तो नहीं रहा। वैसे क्या प्रॉपर्टी है? अगर वक्त और मौसम की मार से इसकी ऐसे हालत ना हुई होती तो बाकी वाले को बोलता हूं कि मालिक को बुलाने को। अरे अरे भाई, सुनो तो, अजीब पागल है, फटाक से गायब हो गया। अब किसको आवाज दूं और नॉक करूं भी तो इतने बड़े महल में कौन सा दरवाजा नॉक करूं? रणविजय समझ नहीं पा रहा था कि अब वो आगे क्या करे। उसका इंतजार एक बार फिर से डर में बदलने लगा था कि तभी किसी के आने की आहट सी सुनाई दी। शायद कोई आ रहा है। थैंक गॉड, यकीन नहीं हो रहा कि वो भयानक सफर खत्म हो गया। आवाज सुनते ही वो बढ़कर दरवाजे तक पहुंचा, फिर दरवाजा खुला। सामने उसका क्लाइंट था, डैनी डिकोस्टा। अधपकी दाढ़ी, काले ओवर कोट में, जरूरत से ज्यादा लंबा, चौड़े कंधे, पर बदन में शायद ही कहीं हड्डियां न दिखती हूं, और गड्ढे में धसी सुर्ख आंखों की जोड़ी। रणविजय को सामने पाकर उसने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाया। वेलकम माय फ्रेंड, रत्नागढ़ पैलेस में तुम्हारा स्वागत है। प्लीज कम। इसे
अपना ही घर समझो। जी आप ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक, मुझे कभी कुछ नहीं होता। हैंडशेक करते ही रणविजय को एक बार फिर से उसी दर्द का एहसास हुआ, क्योंकि उसके हाथ भी बग्घी वाले की तरह ही किसी चट्टान जैसे बड़े, सख्त और ठंडे थे। आप ही हैं मिस्टर डैनी? जी हाँ, मैं ही हूँ आपका क्लाइंट डैनी डिकोस्टा। आइए, बाहर बहुत सर्दी है, लाइए अपना बैग मुझे दीजिए। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मैं अपना सामान खुद उठा सकता हूँ। नहीं, आप मेरे मेहमान हैं, एंड यू सी इट्स प्रिटी लेट इन द नाइट, सो कोई नौकर नहीं है इस वक्त, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको कोई तकलीफ ना होने दूं। नहीं तो आप मेरे काम होने से पहले ही भाग जाएंगे। बट यू नो, कंफर्टेबल इजंट इट? यस सर्टेनली। ये फायरप्लेस इस रूम को कभी ठंडा नहीं होने देता। आप बैठिए, रुकिए, आपका कोट उतारने में आपकी हेल्प करता हूं। अरे अरे आप फील एट होम माय डियर फ्रेंड, फील एट होम। लंबी घुमावदार सीढ़ियों और गलियारों से होते हुए कमरे में पहुंचकर रणविजय को काफी आराम मिला। जब डैनी रणविजय को छोड़कर गया तो उसने कमरे पर एक नजर डाली। दिसंबर की सर्दी में फायरप्लेस की गर्मी, खिड़कियों पर भारी मखमली पर्दे, बेशकीमती फर्नीचर, कमरे की हर चीज से रईसी टपक रही थी। रणविजय अभी एक एक चीज को ताज्जुब के साथ देख ही रहा था कि तभी डैनी वापस लौट आया। प्लीज कम दिस वे माय डियर फ्रेंड, आप सफर से थके होंगे, ऐसे में आपको अपने कमरे का कंफर्ट चाहिए होगा। गुनगुने पानी वाले बाथटब में कुछ पल बैठेंगे तो थकान उतर जाएगी। जब रणविजय उसके पीछे पीछे जा रहा था तो उसके कानों में होटल वाली बुढ़िया के शब्द गूंजे। दिन नहीं रात सा रात, माघ की पूर्णमासी है आज, आज की रात 12 बजे काली घाटी के प्रेत धरती पे उतरे सा, धरती पे उतरे सारे प्रेत। और उसने सोचा कि ठीक है कि ये पूर्णमासी की रात है और रत्नागढ़ का ये किला भी काली घाटी इलाके में ही पड़ता है, पर ऐसे शानदार महल में ऐसे जेनरस होस्ट के होते हुए आखिर उसे हो क्या सकता था। रणविजय जब से रत्नागढ़ पैलेस पहुंचा था उसे एक बार भी नहीं लगा कि रानी की सराय वाली उस बुढ़िया की कही एक भी बात का कोई मतलब है। वो डैनी के पीछे पीछे गेस्ट रूम पहुंचा तो उसका बचा खुचा डर भी उड़ गया। कमरा शानदार था, लेविश फायरप्लेस, शानदार पर्दे, गद्दीदार चेयर्स और सबसे जरूरी एक आरामदेह बिस्तर। आप अच्छे से स्नान कर लीजिए और उसके बाद मैं इस दरवाजे के पार डाइनिंग हॉल में आपका इंतजार करता मिलूंगा। फ्रेश होने के बाद जब रणविजय बाहर आया तो उसे बड़ी जोर की भूख लगी थी और वो डाइनिंग हॉल में पहुंच गया। शानदार, शानदार शब्द भी शायद कम था उस कमरे के बीचों बीच सजे एक्सोटिक वाइन्स और लाइविश डिनर के लिए। अरे अरे आप क्यों, मैं खुद ले लूंगा प्लीज। आप मेरे मेहमान हैं, मुझे तो खुशी मिल रही है आपके लिए ये सब करके।
आखिर आपको काम तो मेरे ही आना है ना? जी, मेरा मतलब है आप यहां आए तो मेरे ही काम से है ना? जी हाँ, दैट्स ट्रू। ऑसम फूड, आपका कुक कमाल का है। आपके चेहरे पर खुशी देखकर अच्छा लगा मुझे। इंसान को हर वक्त खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि क्या पता कब क्या हो जाए। पानी, पानी लीजिए। थैंक्स। मैं डिनर कर चुका हूं, इसलिए खाने में आपका साथ नहीं दे सकूंगा। होप यू वॉन्ट माइंड इट, मिस्टर रणविजय। नो, सर्टनली नॉट। मेरे बॉस मिस्टर रघुवंशी ने ये खत दिया आपके लिए। ओ, दैट्स वेरी नाइस। माफी चाहता हूं, हेल्थ इश्यूज के चलते नहीं आ सका, इसलिए मैंने आपके पास अपने खास साथी को भेजा है। रणविजय इज एन ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग एंड ट्रस्टवर्दी यंग मैन। आप उस पर मेरी तरह ही आंख मूंद के भरोसा कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप उसके साथ बेस्ट डील कर सकेंगे। वेरी गुड। वैसे मिस्टर रणविजय, अगर आपके बॉस ने आपकी तारीफ में ये शब्द नहीं भी लिखे होते तो भी मैं आप पर आंख मूंद कर भरोसा करता। जी, मैं समझा नहीं। पता नहीं आपसे किसी ने पहले ये कहा या नहीं, पर आपकी खूबियां आपके चेहरे पर दिखती है। थैंक यू, यू आर टू काइंड। खाने के दौरान उसने रणविजय से बहुत सारी बातें की, उसके काम, शहर और उस रास्ते के बारे में जिससे होकर वो यहां तक पहुंचा था। इसके बाद उसने रणविजय की ओर लग्जरी क्यूबन सिगार का एक बॉक्स बढ़ाया। प्लीज शौक फरमाइए, इट स्मेल्स ऑसम। सिगार का एक कश लेकर रणविजय ने डैनी की ओर एक नजर डाली। उसके अंदर धंसे हुए गाल, थोड़ी नुकीली मगर सख्त, पतली नाक और नथुने दबे हुए, ऊंचा चौड़ा माथा, आपस में मिलती सी घनी भौहें और मूंछों की तरह ही होठों से कुछ बाहर निकल आए नुकीले दांत उसकी शक्ल को और क्रूर बनाते थे। तभी भेड़ियों की आवाज सुनकर रणविजय की नजर खिड़की की ओर गई। रात के शहजादों की आवाज सुन रहे हैं आप? Such a sweet sound. एक रोमांस है इनके सुर में। जी, मतलब? हाँ, आप शहरों में रहने वाले हम शिकारियों की तरह नहीं महसूस कर सकते। इतना कहकर वो खड़ा हुआ जैसे वो किसी जल्दी में। ओके, ओह, सुबह होने वाली है, आप काफी थके होंगे, आराम कीजिए। मैं कल दिन में बाहर होऊंगा, तो लंबी नींद कीजिए, हम अगली रात में मिलेंगे। इसके बाद जब रणविजय बिस्तर पर गिरा तो सफर की इतनी थकान थी कि वो जाने कितने घंटों तक सोता रहा। और जब वो जागा तो वो 7 तारीख की सुबह थी। फ्रेश होने के बाद वो डाइनिंग हॉल में पहुंचा। वहां फिर से शानदार ब्रेकफास्ट सजा था और साथ में टेबल पर एक नोट भी। मैसेज,
आशा है अच्छी नींद आई होगी मेरे दोस्त। रास्ते की थकान के बाद लंबी नींद की जरूरत थी आपको। मैं आज बाहर ही रहूंगा, इसलिए मेरा इंतजार मत कीजिएगा। हाँ, रणविजय ने भेड़ियों की आवाजों के बीच ब्रेकफास्ट का मजा लिया, फिर अपनी जगह से खड़ा हुआ और इधर उधर नजर डाली। अरे यहाँ कोई नौकर भी नहीं दिखाई दिया अभी तक। पानी वगैरह कुछ चाहिए हो तो बेल जैसा कुछ होना चाहिए ना। चांदी के बर्तन, जगह जगह सोने की कारीगरी, इन राजवाड़ों की शान और शौकत आज भी कम नहीं हुई। पर अजीब है, ऐसे शानदार महल में एक भी आईना नहीं। शेविंग या बाल कोम करने के लिए जरूरत पड़ सकती है। बुक नहीं दिख रहा कोई। हाँ, इस कबर्ड में, वाह शानदार, क्या कलेक्शन है। बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, भले शक्ल जैसे भी हो उसकी, और आदमी की टेस्ट जबरदस्त है। हेलो, आपको इन बुक्स के बीच में देखकर खुशी हुई। ये बुक्स ही मेरी दुनिया हुआ करती थी कभी। कुछ साल पहले बाहर जाने का मन बनाया तो इन बुक्स से काफी कुछ सीखने को मिला। लैंग्वेज एंड ऑल, यू नो। इंग्लिश बहुत अच्छी है आपकी। यहाँ का कोई शख्स मेरी तारीफ करे तो मैं नहीं मानूंगा, पर तारीफ आपने की है तो इट रियली मैटर्स अ लॉट टू मी, क्योंकि यहाँ के लोग तो प्रजा ही हैं मेरी, इन अ वे। प्रजा? क्या है कि बहुत लंबे वक्त तक यहाँ राज किया था मैंने, और चाहता हूं जब तक मैं रहूं बरसों बरस कोई मुझ पर राज ना कर सके। हाँ हाँ, कौन राज कर सकता है आप पर, इतनी बड़ी रियासत है आपकी, इतना बड़ा पैलेस। हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता था कि मैंने इस कमरे में आकर कोई गलती तो नहीं की ना। आप मेहमान है हमारे, जहां चाहे जाइए, जिस भी कमरे में, बस उन रूम्स को छोड़कर जिन पर ताले लगे हैं। कुछ चीजों को जैसे वो है वैसे ही रहने देना चाहिए। जी जी बिल्कुल। ये रत्नागढ़ है, यू सी, क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दिल्ली और बॉम्बे और एनी अदर प्लेस। हमारे जीने का तरीका, रीति रिवाज काफी फर्क है आप लोगों से, इसलिए शायद यहाँ की कुछ चीजें आपको बड़ी अजीब लगे, मगर वो सही है हमारे लिहाज से, यू नो। तो अगर आपको कुछ अजीब लगे तो आप उनके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। अब आपने कहा है तो मुझे रास्ते में कुछ अजीब सी नीली रोशनियां दिखाई दी थी। अजीब मतलब इधर उधर मूवमेंट करती सी, कभी अचानक दिखाई पड़ती और वैसे ही गायब हो जाती। और वो बग्घी वाला बार बार क्यों जा रहा था उनके पास? एक्चुअली साल की एक खास रात, उस रात जब आप काली हाटी में सफर कर रहे थे, वो बहुत खास मानी जाती है यहाँ। उसी रात को नीली रोशनियां उस जगह दिखाई देती है जहां खजाना गड़ा होता है। पुराने वक्त में यहाँ कई लड़ाइयां हुई, कभी मुगल, कभी तुर्क, कभी मंगोल। यहाँ की दौलत पर सबकी नजर रहती है। जाहिर है उन्होंने हम पर हमले किए और दोनों तरफ का खून बहा, खून बहा।
मैं कह रहा था कि एक बार ऐसा भी हुआ कि हमलावर सेना लूट के बाद सारा खजाना यहीं दबाकर भाग गई, क्योंकि अगर शाही सेना उनसे मुकाबले के लिए आती तो वो इतने भारी भरकम खजाने को अपने साथ नहीं ले जा सकते थे। तो इतने सालों में किसी को मिलना चाहिए था खजाना। हाँ, मिल भी सकता था, पर कौन होशता उसको, कलेजा होना उसके लिए, क्योंकि यहाँ के प्रेत उस खजाने की रक्षा करते हैं। प्रेत? पर चलिए अब काम की बात पर आते हैं। आप उस प्रॉपर्टी का नक्शा तो लाए होंगे? सॉरी, मैं उसे अंदर अपने रूम में ही रखाया। गिव मी अ मिनट, आई विल बी राइट बैक। मगर जब वो अंदर जाके पेपर्स निकाल रहा था तो उसे चांदी के बर्तनों की खनक सी सुनाई थी, और फिर जब वो पेपर्स के साथ वापस लौटा तो जी ये रहा नक्शा और पेपर्स। अरे चक्कर क्या है ये, पल भर में खाने के बर्तन गायब, टेबल बिल्कुल क्लीन। अगर मुझे अभी तक यहां एक भी नौकर नजर नहीं आया तो ये सारा काम हो कैसे रहा है? पलक झपकते ही कौन कर डालता है ये सब? रणविजय ने अपने क्लाइंट डैनी को प्रॉपर्टी का नक्शा और वो सारे पेपर्स दिखाए जिन्हें वो अपने साथ लेकर आया था। वो खास तौर पर किसी शांत और अलग थलग जगह पर ही प्रॉपर्टी लेना चाहता था, जैसे कि ये थी। इसीलिए वो बड़ी देर तक सवाल करता रहा लोकेलिटी और इलाके के बारे में, और फिर वो प्रॉपर्टी पर आया। ग्रेट, अब मुझे उस प्रॉपर्टी के बारे में बताइए। हाँ, तो ये देखिए, ये इमारत दिख रहे हैं, ये काफी पुरानी है, ऊंची पत्थरों की चहर दीवारी से घिरी हुई। हाँ, ये जरूर है कि काफी वक्त से मेंटेनेंस नहीं हुई इसकी, तो इसे रहने लायक बनाने के लिए काफी पैसा खर्च होगा। ये यहां पर पुराना जंग खाया हुआ गेट है। टोटल कितना एरिया होगा? 24 एकड़। बहुत सारे पेड़ है, एक्चुअली कुछ पेड़ तो ओनर ने ही लगाए होंगे और बाकी इतने समय में खुद ब खुद उग गए। जंगल सा ही है एक तरह से। यहां पे एक बड़ा सा तालाब भी है, यहाँ इस चर्च के पास। मुझे ऐसी बड़ी और पुरानी इमारतें पसंद है। दरअसल मैं पुरानी पीढ़ी का हूँ, तो आजकल की नई इमारतों में दम घुटता है मेरा। सनलाइट जितनी कम आए उतना अच्छा है, आप महसूस कर सकते हैं। बरसों से इस पुरानी इमारत में रहते हुए मुझे ठंडी हवाओं की आदत पड़ गई है। अपने विचारों के साथ अकेला रहना पसंद है मुझे। Give me a minute, मैं अभी आया। उधर वो गया और इधर रणविजय ने खुद को वहां रखी ढेर सारी बुक्स में उलझा लिया। इतनी सारी बुक्स में वो खो सा गया और लगभग घंटे भर बाद डैनी फिर से उसके सामने था। अरे वाह, अभी भी किताबों की खाक छान रहे हैं। चलिए खाना तैयार है। सॉरी, मैं खाना खा चुका हूं। होप यू वोंट माइंड। एक बार फिर से शानदार डिनर हुआ और एक बार फिर से वो सामने बैठकर रणविजय से बातें करता रहा, पर तभी मुर्गे की बांग ने उसे चौंका दिया। दरअसल यही वजह है जो मुझे सुबह हो गई है। आखिर ये सुबह होती ही क्यों? उसके जाने के बाद रणविजय ने खिड़कियों के पर्दे बंद कर दिए। सारी रात की बातों के बाद उसकी पलकें भारी होने लगी थी,
पर जैसे कि उसकी रोज की आदत थी, वो सोने से पहले डायरी लिखने बैठ गया। 8 दिसंबर। मुझे यहां कुछ डर सा लगने लगा है। मैं हर बीते दिन के साथ अंदर से टूट रहा हूं। ये पैलेस बड़ा अजीब सा है। एक पल भी चैन नहीं मिलता यहां। बस एक बार मैं यहां से सही सलामत निकल जाऊं तो फिर कभी लौट के नहीं आऊंगा। जाने यहां ऐसी कितनी रातें आएंगी। अगर यहां कोई मुझसे बातें करने के लिए होता तो शायद मैं इस डर से थोड़ा लड़ पाता, पर इतने बड़े महल में मेरे अलावा और कोई नहीं है। वो डैनी मुझसे बातें करता है लगभग सारी रात, पर उसके साथ मुझे अजीब सी बेचैनी होती है। लिखते हुए मुझे डर लग रहा है कि शायद यहां जिंदा इंसान बस मैं ही हूं। सच कहूं, अगर ये डायरी ना होती तो मैं जाने कैसे जीता। डायरी लिखते लिखते रणविजय कब सो गया उसे पता ही नहीं चला, पर कुछ ही देर हुई होगी कि अजीब सी बेचैनी ने उसकी नींद खोल दी। कुछ नहीं सूझा तो उसने उठकर अपने बैग से एक छोटा सा आईना निकाला और उसे सामने दीवार पर टांग कर शेव करने लगा। पर तभी एक हाथ उसके कंधे पर आया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं इसे देख क्यों नहीं पाया आईने में, बाकी सब कुछ तो दिख रहा था। मैं पीछे की कबर्ड, फोटो फ्रेम, बस ये नहीं दिखाई दिया आईने में, जबकि ये मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा है। डैनी के अचानक आने से रणविजय चौंका तो रेजर से उसके फेस पर एक कट लग गया। ब्लड जब बहता हुआ उसके चिन तक गया तो पलट कर किसी चीज की तलाश करने लगा जिससे वो उसे पहुंच सके, पर तभी उसके बहते हुए खून पर डैनी की नजर पड़ी और उसकी आंखों में एक चमक उभर आई, वही भेड़ियों की आंखों से चमक। उसने छपट्टा मारकर रणविजय की गर्दन दबोच ली। वो अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश में पीछे हटा तो डैनी का हाथ उसके गले में लटकती ताबीज से टकराया और उसने चौंक कर अपना हाथ पीछे खींच लिया। अपना ख्याल रखा करो, देखो कितना बड़ा कट लगा है तुम्हारे गाल पर। सारी मुश्किलें इस आईने की पैदा की हुई है। इसे हटा ही देता हूं यहां से। अरे, आईना फेंक दिया। आईना हमेशा धोखा देता है दोस्त, इससे दूर रहा करो। अजीब है, आईने के बिना शेव कैसे करूंगा मैं? यहां इसके ही सारे कानून चलते हैं। कब खाना है, कब जगना है, कब सोना है। उसने अपनी घड़ी के पिछले चमकदार हिस्से को देखकर बची हुई शेव की और उसके बाद जब वो डाइनिंग हॉल में पहुंचा तो नाश्ता तैयार था। मैंने इसको कभी कुछ खाते पीते हुए नहीं देखा। चक्कर क्या है? ब्रेकफास्ट के बाद रणविजय पैलेस को देखना चाहता था, इसलिए वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा और गलियारे से होकर एक कमरे में पहुंचा। पर इतनी खड़ी चट्टान पर बना है ये महल, यानी कोई पत्थर गिरे तो इस ऊंचाई से तो बस पेड़ों की छत ही दिख रही है। दूर से झरने सफेद धागों से दिख रहे हैं। कमाल है, हर दरवाजे पर ताले, कमरों में खिड़कियां हैं और सब में लोहे के सरिये लगे हुए हैं। पैलेस को कैदखाना बना रखा है इसने। तो क्या
मैं यहां कैदी हूं। रणविजय की हालत चूहेदानी में फंसे चूहे जैसी हो गई थी। आखिरकार यहां से निकल भागने के सारे रास्ते बंद पाकर भागदौड़ के बाद थके हुए चूहे सा वो सीढ़ियों पर बैठकर हांफने लगा। अगर मैं यहां कैदी हूं तो मुझे कभी भी खत्म कर सकता है। सुबह ही अगर वो कुछ और देर गला पकड़ के रखता तो हो गया था खेल खत्म। क्या करूं, यहां से निकल भागा तो इसका मतलब मैं बस तब तक जिंदा हूं जब तक इसे पता नहीं चल जाता कि इसकी कैद में मेरा दम घुटने लगा है। मुझे अपने डर को छिपाना होगा। लगता है वो आ रहा है। इससे पहले कि वो मुझे देख पाए लाइब्रेरी पहुंचता हूं। वक्त से पहुंच गया। शायद वो मेरे कमरे में है। यहां से झांक कर देखता हूं वो क्या कर रहा है मेरे कमरे में। चादर ठीक कर रहा है। मतलब इस पैलेस में कोई नौकर नहीं है। घर के सारे काम यही कर रहा है। पर कब करता होगा ये सब। इसका मतलब वो बग्घी वाला भी यही था। जब इसने अपने पथरीले हाथों से हैंडशेक किया तभी समझ जाना चाहिए था मुझे। फिर इसने भेड़ियों को कैसे शांत किया, बस हाथों के इशारे से। मतलब ये सारी काली घाटी इसकी रियासत है और भेड़िए इसकी प्रजा। गॉड, शायद इसलिए राजसमंद की वो बुढ़िया और टांगे वाला ऐसे डरे हुए थे। रुक जाओ सा, रुक जाओ, भड़मानुसों का घर है वो, उधर जाओ कोनी, जाओ कोनी उधर। अगर बेचारी उस बुढ़िया का दिया हुआ ये ताबीज मेरे गले में ना होता तो। रणविजय ने तय किया कि उसे इस जगह को समझने की कोशिश करनी है और सारी जानकारी सिर्फ डैनी के पास थी। अगर मैं अपनी बातों से उसे मजबूर कर दूं कि वो अनजाने ही सारा सच उगल बैठे और मुझे यहां से निकलने का रास्ता पता चल जाए। हाँ, यही तरीका है। कुछ सही सवाल और पर किसी भी हाल में इसे मुझ पर शक ना हो। हाँ, निकल गया बिल्ली की तरह दबे पांव। बस आज रात की ही बात है जब मुझे यहां से निकलने का कोई रास्ता मिल सकता है। रणविजय शाम को ही तय कर चुका था कि उसे डैनी को भरोसे में लेना होगा, क्योंकि यहां इस इतने बड़े किले में उसके अलावा सिर्फ डैनी ही था। इसलिए उसे रत्नागढ़ के इस किले से बाहर निकलने का रास्ता भी केवल डैनी से ही मिल सकता था, और उसके लिए सबसे सही वक्त वो था जब रात को डैनी उसके सामने टेबल पर होता था। Try this too. It's our traditional dish. Lal Mars. Lal Mars. The color of blood. 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 बहुत अच्छा है। It's really nice. Yes. Because no history is written without blood. हमने भी अपना इतिहास खून से लिखा है। बेशुमार खून बहाया है हमने अपना
और अपने दुश्मनों का। जी मैं समझा नहीं। रास्ते में आते हुए आपने घाटी में एक बहती हुई नदी देखी होगी, जाने कितनी बार उसको हमने खून से लाल किया है। अपने इतिहास पर गर्व है आपको? यस, वी आर प्राउड वॉरियर्स। जंग हमारे खून में है और जुनून भी। जुनून, क्या दिन थे, कितनी लड़ाइयां, कितना खून। आई रियली मिस दोस टाइम्स। पर जंगों से इतना प्यार क्यों है आपको? क्योंकि वो जंगे हमने अपनी आजादी के लिए लड़ी और जान पर खेल कर जीती। आप नई पीढ़ी के हैं, इसलिए नहीं समझेंगे। इस शानदार रियासत को छीन लेने के लिए कैसी भूख थी हमारे दुश्मनों के अंदर। पर जैसे ही हमें हमले की खबर लगती, हम नंगी तलवारें लिए जंग में कूद पड़ते। आपने कभी भेड़ियों को किसी भैंसे का शिकार करते देखा है? भैंसा मदद के लिए चीखता हुआ भागता रहता है और भेड़िए उसे पीछे से नोचते रहते हैं, जिंदा शिकार को फाड़ डालते हैं। वो चीखता रहता है और भेड़िए उसे फाड़ खाते हैं। उसका कलेजा अंते खून, कुछ भी नहीं बचता। हम भी ऐसे ही टूट पड़ते थे हमारे दुश्मनों पर, इन्हीं पंजों से उनकी छाती फाड़ कर कलेजा बाहर खींच लेते थे। उसके खून में नहाते थे हम। But why? इतना खून खराबा क्यों? To scare our enemies, ताकि वो जान जाए कि हम पर हमला करके उनके रूहें भी पछताएंगे। You know, वो क्या कहते थे हमें? क्या कहते थे हमें? भड़मानुस। खूनी भेड़िए, क्योंकि इंसानों की शक्ल में खूनी भेड़िए ही तो थे हम, जिन्हें देखते ही दुश्मनों के हाथों से तलवारें छूट जाती थी। खून जम जाता था उनका, पर हम तब भी नहीं रहम करते उन पर, फाड़ खाते थे उन्हें। फाड़ खाते थे? I mean, we used to kill them. बस जरा सी बेरहमी के साथ। रणविजय खौफ से लगभग कांपता सा हुआ डैनी की बातें सुनता रहा। वो बातें करते करते खुद भेड़िया सा बन गया था। उसकी लाल लाल आंखें, बाहर निकल आए दांत और उसके गले से आती भेड़ियों से गुर्राहट। पर फिर अचानक वो नॉर्मल हो गया। Actually, my dear friend, I must say I'm impressed with your capabilities. जिस तरह से आपने मुझे प्रॉपर्टी के बारे में बताया, एक एक डिटेल और कानूनी सलाह भी थी, वो काबिले तारीफ है। मैं बहुत इज्जत करने लगा हूं आपकी। By the way, मिस्टर रणविजय, क्या यहां आने के बाद आपने अपने बॉस को कोई लेटर लिखा? जी मुझे वक्त नहीं मिला। That's okay. But मुझे लगता है कि आपको उन्हें खत लिखना चाहिए। उन्हें चिंता हो रही होगी आपकी। ये लीजिए पेपर्स
और लिखना शुरू कीजिए। लिखिए कि यहां मेरा काम अच्छा चल रहा है, मैं यहां बहुत खुश हूं और मैं सोच रहा हूं कि यहां एक महीने और रुक जाऊं। What? एक महीने? क्यों? Am I not a good host? But I mean, आप सचमुच चाहते हैं कि मैं यहां एक महीने और रुकूं? बुराई क्या है? शानदार जगह है ये। और मैंने कुछ किया भी नहीं अभी तक। जी? मतलब? I mean, मैंने आपकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं की। जी हाँ, पर मैं यहां बैठा हूं, आप लेटर लिखिए। और हाँ, आप उस खत में इसके अलावा कुछ और नहीं लिखेंगे, मैं उन पर एक नजर डालूंगा और फिर टिकट लगाकर उन्हें भेज दूंगा। हाँ श्योर। कम ऑन यंग मैन, स्टार्ट राइटिंग। वो जिस तरह से रणविजय के सिर पर खड़ा था, रणविजय के पास लेटर्स लिखने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। और जैसे ही उसने लेटर लिखा, डैनी ने उसे पढ़कर एक लिफाफे में डाला और आगे बढ़ गया। पर तभी उसे कुछ याद आया। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर फ्रेंड, आप इन कुछ रूम्स के अलावा पैलेस में कहीं नहीं जाएंगे। एम आई क्लियर? जी हाँ, क्योंकि इस पैलेस के बाकी हिस्सों में कुछ यादें हैं, भटकती हुई यादें। भटकती हुई यादें? यस, भटकती हुई यादें जो अक्सर बेरहम होती हैं, बहुत बेरहम। तो अगर वो आपसे टकरा गई तो आपको जिंदगी भर पछताना पड़ेगा, अगर जिंदा रहे तो। सो बी केयरफुल। अरे अचानक चला गया, वो भी अपनी पूरी बात किए बिना। अजीब इंसान है ये, आखिर चाहता क्या है ये मुझसे? एक महीना और, एक महीने में वो क्या करेगा मेरे साथ? अगर मुझे मारना ही है तो एक महीना क्यों? और वो भटकती हुई यादें, भटकती यादों से मतलब क्या था उसका? क्या यहां इस डैनी के अलावा कुछ और भी है? डैनी के जाने के बाद रणविजय के पास बहुत कम वक्त था, इसलिए वो डरा सहमा सा अपनी जगह से उठा और दरवाजे से निकलकर आंगन तक पहुंचा। आंगन के चारों ओर ढेरों कमरे थे, पर उन सब में ताले लगे हुए थे। तभी अचानक कोई आहट सी हुई तो रणविजय खिड़की की ओर लपका और बाहर झांकने लगा। हाँ, उधर से आई थी वो आहट। हाँ, डैनी का कमरा शायद उसी ओर है। हाँ, वो खिड़की खुली उसकी, तो आज मैं जान सकूंगा कि मुझसे मिलने के बाद आखिर डैनी जाता कहाँ है। अगर मैं उसका पीछा करूं तो, अरे काला सा साया खिड़की से निकल रहा है, ये क्या? वो तो खिड़की से निकलकर दीवार पर रेंगने लगा है। बिल्कुल किसी चिपकली की तरह। गॉड, ये तो डैनी है, ये तो पक्का डैनी है। क्या ये कोई चिपकली की तरह कैसे रेंग सकता है दीवार पर? किधर जा रहा है ये? नीचे की ओर उतर रहा है ये तो। फक, अचानक कहां गायब हो गया ये? ये डैनी है क्या चीज? ऐसे अचानक कैसे गायब हो सकता है कोई? पर अब मैं क्या करूं?
उन कमरों की चाबियां मिल पाती तो डैनी के रूम में होंगी कीज। हाँ, उधर ही जाता हूँ। रणविजय ने एक लालटेन उठाई और उसकी रोशनी के सहारे डैनी के रूम की ओर बढ़ा। वहां उसे कई दरवाजे दिखे पर सब में ताले लटक रहे थे, मगर आखिरकार उसे एक पुराना दरवाजा दिखा जिस पर ताला नहीं था। उसने उसे धक्का दिया। थैंक गॉड, फाइनली एक डोर तो खुला। उफ, कितनी धूल है। चाबी आपने रूम में ही रखता होगा वो। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल रूम, शानदार, वंडरफुली डेकोरेटेड। कितनी हवा आ रही है और कितनी अच्छी रोशनी। जरूर ये कभी रनिवास रहा होगा। रानियां खिलखिलाती हुई यहां से वहां डोलती होगी। उधर भी तो एक दरवाजा है। क्या है उस दरवाजे के पीछे? गॉड, लगता है बरसों से कोई नहीं आया यहां। थकान हो गई, पर मेरे रूम से अच्छी जगह तो ये है सोने के लिए। यही फर्श पर सो जाता हूं। पता नहीं यार इतनी थकान क्यों होती है। डैनी ने किसी और रूम में जाने से मना किया था, पर वापस अपने रूम तक जाने की हिम्मत नहीं बची है। और फिर जाने क्यों दम घुटता है वहां। यहां कम से कम कुछ सुकून सा तो है। शिट, लगता है डैनी लौट आया। क्या करूं, अब तो भागकर वापस भी नहीं जा सकता। चुपचाप चुपचाप पड़ा रहता हूं। हाँ, जो होगा देखा जाएगा। भेड़िए, शिट, ये यहां थर्ड फ्लोर के विंडो से अंदर कैसे कूदा है? नहीं नहीं, ये तो इंसान है शायद। बड़मानुस लड़कियां, तीन तीन। ओह, इतनी खूबसूरत है ये। कैसी महक आ रही है इनसे। अजीब सा नशा है इस महक में। सूंघ रही है मुझे। अब अगर यहां से नहीं भागा तो फाड़ खाएंगे मुझे। क्या हो गया है मुझे, हिल भी नहीं पा रहा अपनी जगह से। मेरी आवाज को क्या हुआ? जी भी नहीं पा रहा। किसी ने मुझे छुआ। शिट,